नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विकास खंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत वैष्णोपुर में हर घर जल जीवन मिशन पूरी तरह हुआ धराशाही, प्रशासन हुआ मौन। विकास खंड बहादुरपुर के ग्राम प्रधान किशोर कुमार ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में हर घर जल मिशन योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके दौरान ग्राम पंचायत की नवनिर्मित सड़क इंटरलॉकिंग RCC पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे ग्राम पंचायत के लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया है। किसी तरह से तथाकथित मेगा कंपनी के ठेकेदारों द्वारा ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई, वह भी मनमानी तरीके से तथा नलकूप की बोरिंग बाउंड्री करके उसमें सोलर पैनल पहले पूरा लगाकर बाद में ठेकेदार द्वारा आधा निकाल लिया गया। पानी की टंकी के नाम पर केवल पिलर खड़ा करके कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया गया। पानी की टंकी आज भी नहीं बन पाई है। गांव के हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य अधूरा रह गया। जो पाइप बिछाई गई उनमें रिसाव होने के कारण जगह जगह सड़कें धस गई हैं। कई गरीबों के मकान में सीलन हो रही है। मकान कब गिर जाए भगवान भरोसे हैं। ऐसे में मेगा कंपनी में सूत्रों के मुताबिक पूरे जनपद में ग्राम पंचायत के विकास को गर्त में पहुंचाने का कार्य किया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारी समस्या को सुनने वाला विकास खंड से लेकर जिला स्तर तक कोई नहीं है, ना तो उसके लिए कोई निश्चित ऑफिस बनाई गई है। हमारी जन समस्या की मांग को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और मेगा कंपनी द्वारा 134.5200 लाख से निर्मित परियोजना को धरातल पर वास्तविक रूप से मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कर ग्राम प्रधान को सौंपने के लिए निर्देशित किया जाए तथा ग्राम पंचायत के विकास की जो क्षति मेगा कंपनी द्वारा की गई है उसे पूर्व की भांति करने का निर्देश भी दिया जाए। देखिए बस्ती जनपद से राजेश कुमार श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। मैं ग्राम प्रधान वैष्णोपुर किशोर कुमार यादव। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में जल विभाग वाले तो बहुत सारा उत्पात मचाए हैं और देख रहे हैं इस पर सारे रोड खराब हो गए, सारी समस्याएं हैं। इस पर आपने क्या मांग किया, क्या इसको सही करने आए? मांग तो हमने कई मर्तबा किया, उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत किया, चौथा पांचवा मर्तबा शिकायत किया, आए थे और देख कर चले गए। कोई भी इस पे मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ है। लगातार मेरी शिकायत के बावजूद भी सारे के सारे काम ऐसे पड़े हैं। ग्रामीणों को रास्ते में आवागमन की बहुत ही समस्या है। सामने दिख रहे हैं कि सारी रोडें एक समान एक अच्छी सी बनी थी और आज के डेट में इस पर चलने लायक नहीं है। नहीं, ग्राम सभा में तो आपने काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये जो नाली बनाकर पाइप डाले इससे आपके ग्राम सभा का बहुत क्षति हुआ, तो इस क्षतिपूर्ति के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं, जो संस्था इसको कार्यदायी संस्था है जल जीवन मिशन ग्रामीण, ये जो जिस कंपनी को टेंडर दिया था उस कंपनी से हमारी मांग है कि जो हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रोडे क्षतिग्रस्त किए हैं उसका पुनः उसी हालत में उसका सही करके उसको कार्य को पूरा करें। अभी 5 दिन पहले हमारी बात हुई थी मेघा कंपनी के अधिकारी से, उन्होंने कहा था कि हम उस ग्राम सभा में जाएंगे वैष्णोपुर में और जाकर के वहां का सारी चीज क्लियर करेंगे और सारा समस्या हल होगा, तो क्या वो लोग आए थे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 दिन के अंदर तो नहीं आए हैं, इधर 5 दिन से तो नहीं आए हैं, कोई भी अधिकारी नहीं आया, न आए, न इसका कोई जांच ही किया ना। तो मतलब ये लोग फर्जी बोलते भी हैं और फर्जी काम करके चले जाते हैं? चले भी जाते हैं, आए थे बहुत पहले, हमने कमिश्नर साहब से शिकायत किया था तो एक मरतबे आए थे इनके अधिकारी, दुधौरा गांव की टूटी हुई सड़कों का उन्होंने देख रेख किया और उस पे लगाया, मेरी मांग के अनुसार उन्होंने लगाया तो 10 मीटर या हमको लगता है 50-60 मीटर के उन्होंने निर्माण किया है सही, बाकी सारे गांव पंचायत में वैसे ही कि वैसे रोड पड़ी रह गई। यानी ये पूरा प्रदेश ही चौपट करके चले गए हैं? बिल्कुल, जितनी सड़कें दुरुस्त बनी थी आज के तारीख में सारी सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, चाहे इंटरलॉकिंग हो और चाहे CC रोड हो। तो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से क्या मांग करते हैं, ऐसे कार्यदायी संस्था को काली सूची में डाला जाए? ऐसी कार्यदायी संस्था को बिना अविलंब काली सूची में डाल करके जो भी पैसा हुआ है उसे रिकवरी करके ग्राम पंचायत के अधीन करवा के इसका काम करवा दिया जाए। बहुत अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम प्रभावती। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गौरा का, वैष्णोपुर। वैष्णोपुर ग्राम सभा। हाँ। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में रोड जो बना था ये कैसे टूटा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सरकारी वाले तूरिंग है, पानी वाले जो टंकी बना कर थे। कितना दिन हुआ है टूटे? आज यही गए 6 महीना ले। आप लोगों को इसमें समस्या होती है कि नहीं होती है बताइए? गड़बड़ होता है, खाली ऊंचे गोड़ पर तो बैठे
कहाँ कैसे बोल रही है, रोड खराब कैसे आई है। तो ये बताइए इस पे आप शासन से क्या मांग करते हैं, क्या शासन ही मांग करते सड़क बन जाए, जो तोड़ा वो बनाए कि दोबारा दोबारा क्यों बनाए, चाहे जो तोड़ेगा ते का बनाए ते ही बनावे। इस पर नियम तो यही था कि जो तोड़ा है वो बना करके देगा, तो क्या उसने बनाया, कुछ बनाया था नहीं, नहीं बनाए। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, कार्रवाई करो। अपना नाम बताइए। पूजा। पूजा नाम है। किस ग्राम सभा की रहने वाली हैं आप? ये बताइए आपके ग्राम सभा में क्या समस्याएं हैं? भैया पानी वाले पुल तोड़ दिए खोद खाद के, अब आओ जाओ इतना दिक्कत अपना की गाड़ी घोड़ा लेके सब गुजर पड़ा था, अब एक सड़किया फिर से निर्माण करवाया जाए। मतलब ये बताइए इस पर इंसान को इन्हें जानवर को भी दिक्कत होती होगी, हर लोगों को सबका दिक्कत बाय, भैंस गोरू आओ जाथिन मनइयो लड़के साइकिल वकिल लेके आओ जाथिन गिरत पड़ा थी, और वैसा बूढ़ पुरानिया है ना हो जाए दिक्कत रहा था पिछला गिर जाए गोड़ हाथ टूट गया देखा फिर से निर्माण करावा जाए। ये बताइए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करती हैं? फिर से बने मांग कही जात बा कि हमें लोग कैसे आए जाए, जबकि नियम यह था कि जो जलकल वाले इसको तोड़े थे उनको बनाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बनाया, छोड़ था ईटा ऊंटा सब के चला गई, अब उतने ना ही बना और पानी बरसा कुल एकदम टूट के खराब हो गया, अब एक फिर से बनवाओ। मतलब आपकी मांग है कि इसको बनाया जाए जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, बनाया जाए, अब आओ जाए हमें लोग कही है राय हुए तो दिक्कत हुआ, तो बात लड़के बच्चे स्कूल जाते भाँस जाते जूता उता गंदा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत।